गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे एजुकेशन में। करंट अफेयर्स करने हैं 21-22-23 अगस्त 2022 के। माफ़ कीजिएगा, कल परसों क्लास मिस हो गई थी करंट अफेयर्स की, बट आप लोग सिविल एजुकेशन पे इतना ज़रूर बिलीव कर सकते हैं कि किसी भी दिन का करंट अफेयर्स मिस नहीं होगा। जिस भी दिन का अगर मिस होता है तो वो नेक्स्ट डे कवर कर लिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे इस बात को। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रवासी भारतीय दिवस। PVD के नाम से भी इसे जानते हैं। ये 17वां प्रवासी दिवस होने जा रहा है इंदौर में। ये आपको इंदौर मार्क करके चलना है। भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनके योगदान को मार्क करने के लिए इस डे को, इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सब हम लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को हर वर्ष इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी, जो एक खुद महान प्रवासी थे, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। 2003 से इस डे को, इस दिवस को मनाया जा रहा है, लेकिन 2015 में संशोधन करने के बाद इसको हर दूसरे साल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कोडिंग में कूट में क्वेश्चन बनाएगा तो वो इस बात को जरूर लिखेगा कि इसको प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो आपको प्रतिवर्ष गलत कर देना। ठीक है, ये वाला जो होगा 2023 में इंदौर में, ये 17वां होगा, और इससे पहले का जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक है एक्वा मार्केट। आपने एक मोबाइल ऐप का नाम सुना होगा, मत्स्य सेतु, जो ऐप पूरा डेडिकेटेड है एक्वा कल्चर के लिए, एक्वा एग्रीकल्चर के लिए, जलीय कृषि के लिए। इस मोबाइल ऐप पे एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसका नाम है एक्वा मार्केट। इस फीचर को ऐड करने के बाद किसानों को जो उनकी इसेंशियल सर्विस हैं वो सब इजीली प्रोवाइड हो जाएंगी, जैसे मछली के बीज उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे, मछलियों का जो चारा होता है, खाना होता है, दवाएँ वगैरह जो है वो सब इस ऐप की सहायता से ईजिली एक्सेस हो जाएगा। इस एप्लीकेशन को बनाने वाली संस्था है ICAR और सीफा। यहाँ पे आपको सीफा पे ध्यान देना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है UPPCS मैचिंग में। अक्सर इंस्टीट्यूशन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें पूछा जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में है, और ICAR के बारे में जानते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। मछलियों के विकास से संबंधित एक और इंस्टीट्यूशन है, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि इसको भी कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, हैदराबाद। ठीक है, चलिए एफ इंसास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने एक गेम खेला होगा बंदूक वाला, और उस गेम में जो बंदूक चलाने वाला इंसान है आपने देखा होगा कि वो हर एक चीज़ से लैस होता है। उसके पास दो तीन तरीके की बंदूकें होती हैं, आप चेंज करते रहते हो माउस से। उसके पास हैंड ग्रेनेड भी होते हैं, और वो इंसान एक सूट भी पहना रहता है रात में देखने के लिए, या फिर फॉग में देखने के लिए नाइट विजन डिवाइसेस लगाया रहता है। सारी बंदूकों की गोली खत्म हो जाती है तो फटाक से चाकू भी निकाल लेता है। दो तीन तरीके के उसके पास छुरे वगैरह, चाकू वगैरह रहती हैं। और आप लोग अगर टीम बना के खेल रहे हैं तो टीम वाले सदस्य एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, यानी उनके पास एक एडवांस वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी रहता है। ठीक है, तो ये एफ इंसास वही चीज़ है, वही सिस्टम है जिसमें सोल्जर को ये सब चीज़ें दी जाएंगी। इसको नाम दिया गया है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। अगर कोई सोल्जर एफ इंसास से लैस होगा तो देखिए उसके पास क्या क्या होगा। AK-47 पढ़ते रहते हैं, AK-47 बहुत पुरानी चीज़ होगी। उसके पास होगा AK-203 राइफल, हैंड ग्रेनेड भी उसके पास होंगे, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे, उसके पास नाइट विजन डिवाइस भी रहेंगी, बुलेट प्रूफ जैकेट भी रहेगी, जिससे AK-47 की जो बुलेट है 9mm ये तो भेद ही नहीं पाएगी, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी। उसके पास बैलिस्टिक हेलमेट भी रहेगा, बंदूक की गोली अगर खत्म हो गई तो हेलमेट ही मार दो, इतना मजबूत है कि खोपड़ी फूट जाएगी दुश्मन की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एफ इंसास में। अब आपको आइडिया लग गया होगा, तो ये सब चीज़ें अभी भारतीय सेना को सौंपी गई हैं। एफ इंसास के बारे में हम लोगों ने देख लिया। निपुण माइंस के बारे में हम लोग अभी एक दो दिन पहले पढ़ चुके हैं। इसको बनाया किसने है, DRDO ने बनाया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सहायता से। ऑर्डिनेंस यानी आयुध, जो फैक्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं, इन सभी की सहायता से एफ इंसास को बनाया गया। हो जाएगा, चलिए तीसरा टॉपिक है तिलपिया जलीय कृषि परियोजना। ये तिलपिया क्या है, तिलपिया एक मछली है। इस मछली की ग्रोथ रेट इतनी जल्दी है कि इसको एक्वा चिकन बोला जाता है, जलीय चिकन बोला जाता है। इजरायली तकनीक की सहायता से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर भारत सरकार मत्स्य पालन के लिए भी बेटर एंड बेटर काम कर रही है। मत्स्य पालन के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको सनराइज सेक्टर भी बोला जाता है। और इस बार का आपने एक्सपोर्ट देखा होगा, एक्सपोर्ट में समुद्री उत्पाद का बहुत बड़ा रोल है ना। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े देश हैं जो मछलियों को एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया भर में इतना कंजम्पशन ही है, और अब तो भारत में तिलपिया को भी डेवलप किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। तो ये स्थिति जो चौथी है, ये दो पे भी आ सकती है, पहले पे भी आ सकती है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है वो इसके अंतर्गत काम कर रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके बारे में कुछ देख लीजिए, 2020 की ये योजना है। मछली पकड़ने के लिए जहाज की ज़रूरत है, तो इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है।
नाव वगैरह जाल के लिए वित्तीय सहायता, ठीक है, ये सब चीज़ें मत्स्य संपदा योजना में है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हायाबूसा 2 अंतरिक्ष यान, स्पेस क्राफ्ट है, कहाँ का है, जापान का है, जैसे भारत की इसरो है, जापान की क्या है, जाक्सा। आइए पहले इस अंतरिक्ष यान का पुराना काम देखें जो इसने 2020 में किया था। इसने डीप स्पेस से एक क्षुद्र ग्रह से नमूने लिए थे, उस क्षुद्र ग्रह का नाम है, उस एस्ट्रॉइड का नाम है रुगु, और इन सैंपल्स को कैप्सूल्स में रखा गया था और फिर इन्हीं कैप्सूल्स को पृथ्वी की सतह पर गिराया गया था। और वो जगह थी ऑस्ट्रेलिया का एक दूरस्थ क्षेत्र था, उसका नाम था बुमेरा। इस जगह पर इन कैप्सूल्स को पहुँचाया गया था, ड्रॉप किया गया था, 220,200 किलोमीटर ऊंचाई से ड्रॉप किया गया था, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, ठीक है। तो 2020 में तो इस अंतरिक्ष यान ने रुगु एस्ट्रॉइड से नमूने दे दिए। अब इसने 2022 में क्या काम किया, इसके रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। जापान द्वारा क्लेम किया गया है कि इस अंतरिक्ष यान की सहायता से पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल के सैंपल्स भी पृथ्वी तक आ सकते हैं, तो इसी के चलते हायाबूसा 2 न्यूज में था, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है तस्मानिया टाइगर, लगता तो एक कुत्ते की तरह है, भेड़िया की तरह है, लेकिन इसके शरीर पर टाइगर की तरह धारियां हैं, उन्हीं धारियों की वजह से इसको तस्मानिया टाइगर बोला जाता है। तस्मानिया टाइगर 1930 में ही एक्सटिंक्ट हो गया था, विलुप्त हो गया था इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण। ये अंतिम जानवर था थाइलेसिन युग का जो जीवित था 1930 तक, इसलिए इस जानवर को थाइलेसिन भी बोला जाता है। इस जानवर का न्यूज में रहने का कारण है कि इसको फिर से जिंदा किया जा रहा है, फिर से रिसरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, साइंटिस्ट जुट गए इस काम के लिए। इसको तस्मानिया के लोग तस्मानियन भेड़िया भी बोलते हैं, तस्मानियन वॉल्फ भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जानना जरूरी है, ये जो जानवर है ये मार्सुपियल मैमल है। मार्सुपियल समझते हैं ना, कंगारू को देखें, धानी प्राणी, कंगारू को देख रहे होंगे, कंगारू अपने बच्चों को कहाँ रखता है, थैली में रखता है, पेट के पास बनी एक थैली में रखता है, ऐसे जानवरों को मार्सुपियल मैमल बोला जाता है। UPSC टेस्ट सीरीज 2022 की जो हम लोगों ने की थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्सुपियल मैमल्स क्या क्या होते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने कंगारू के अलावा कुआला को भी पढ़ा था, कुआला भी मार्सुपियल मैमल है, कंगारू के बारे में सब जानते हैं, ठीक है, हो जाएगा। जानवरों का एक ऐसा वर्ग होता है मार्सुपियल जो अपने बच्चों को पेट के पास बनी थैली में रखते हैं। चलिए मुधोल हाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है ये, रॉयल देसी कुत्ता है जिसको अभी पीएम मोदी की सुरक्षा में शामिल किया गया है, SPG ग्रुप में शामिल किया गया, और ये देसी है, ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मोदी जी स्वदेशी को पकड़े हुए हैं, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। मुधोल हाउंड जो है वो कर्नाटक की देसी नस्ल है, हंटिंग और गार्डिंग जो स्किल्स हैं इस कुत्ते की वो बहुत अच्छी हैं, मराठा शिवाजी की सेना में भी ये हुआ करता था मुधोल हाउंड। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की पहली E-डबल डेकर AC बस, इसको अनवील कहाँ पर किया गया है, अनावरण कहाँ किया गया है, मुंबई में, अशोक लीलैंड के द्वारा इसको बनाया गया है, बस का नाम रखा गया है स्विच EIB 22, EIB 22, ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई याद रखना। बेस्ट नाइल वायरस, इसको फिर से देखा गया, फिर से डिटेक्ट किया गया न्यूयॉर्क में, तो देख लेते इसका होस्ट कौन है, कैसे एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। इसका जो मेन होस्ट है वो होती हैं चिड़ियाँ, ठीक है, मेन रिजर्वायर होस्ट है, और इंसान में कैसे फैलता है, मच्छरों के द्वारा, तो मच्छर फिर इनको काटता होगा पहले, चिड़ियों को, फिर इंसान को काटता होगा, तभी तो आ रहा है, तो ऐसे ही होता भी है। मच्छर जब इनको बाइट करते हैं, चिड़ियों को बाइट करते हैं, काटते हैं, तो ये चिड़ियों से मच्छर में ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर मच्छर से फर्दर ह्यूमंस में, एनिमल्स में, अब मच्छर तो सबको काटता है, अब मच्छरों का क्या, इनको तो खून चाहिए, खून किसी का भी हो, तो यहाँ पर होस्ट याद रखना, होस्ट चिड़ियाँ होती हैं, और जो ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है वो मच्छरों की सहायता से होता है, क्योंकि मच्छर पहले ही इन्फेक्ट हो जाते हैं चिड़ियों को बाइट करने से। इस वायरस के बारे में सबसे खतरनाक चीज़ है ये, कैजुअल कॉन्टेक्ट से ये पर्सन से पर्सन में फैल जाता है, ठीक है। चलिए चाबहार पोर्ट, भारत ने अभी रिसेंटली चाबहार पोर्ट के प्रोग्रेस को रिव्यू किया है, आपने देखा होगा भारत से एक डेलीगेशन गया था ईरान में, और इस पोर्ट का कितना प्रोग्रेस हो गया है, कितना डेवलपमेंट हो गया, इन सभी का रिव्यू करना उस डेलीगेशन का काम था, क्योंकि इसको जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है इंडिया के द्वारा, ईरान के द्वारा और अफगानिस्तान के द्वारा। चाबहार पोर्ट है कहाँ पर, ईरान में, इमेज आ जाएगी आपके सामने, तो पॉज कर लेना और थोड़ा सा देख लेना लोकेशन। चाबहार पोर्ट के बगल में आपको एक लोकेशन और दिख जाएगी ग्वादर पोर्ट की, तो ग्वादर पोर्ट की लोकेशन भी देख लेना, ठीक है। चलिए ग्रामीण आजीविका पार्क यानी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कौन लॉन्च कर रहा है, छत्तीसगढ़ लॉन्च कर रहा है, अच्छी बात है, रूरल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क
लॉन्च किए गए हैं। मार देना छत्तीसगढ़। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल 19 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ नाइसिफोर। इन्होंने दुनिया की पहली फ़ोटो को कैप्चर किया था और जोसेफ भाई ने उस फोटो का नाम रखा व्यू फ्रॉम विंडो एट ली ग्रास। ठीक है, ये फ़ोटो इसी दिन खींची गई थी 19 अगस्त को, तो इसी वजह से इसको ऑब्जर्व किया जाता है 19 अगस्त। ठीक है, चलिए मंकी पॉक्स के बारे में हम लोगों ने अभी पिछले 2-3 दिन पहले पढ़ा था इसको, और उस टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन अब टेस्ट डेवलप कर लिया गया, टेस्ट किट डेवलप कर ली गई। किसके द्वारा? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल। इस इंस्टीट्यूट का नाम आपको याद रखना है। बाकी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो टेस्ट किट है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ठीक है, स्वदेशी रूप से निर्मित है। चलिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एक आर्टिकल निकला था इस नाम से, इसको रिलीज किसने किया? तो पूछा जा सकता है RBI। चलिए नेक्स्ट है पिच ब्लैक एक्सरसाइज। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, 17 नेशन पार्टिसिपेट करते हैं, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। इसको होस्ट करने वाली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चलिए आज का लास्ट टॉपिक आर्टिमिस थर्ड। यह एक ऑपरेशन है, मिशन है नासा का, क्रूड मून लैंडिंग मिशन है। लेकिन इंसान तो पहले भी जा चुके हैं मून पे, लेकिन इस बार भेजने का क्या पर्पज है? नासा ने अभी मून पे कुछ पोटेंशियल साइट्स हैं इनको अनाउंस किया। इन 13 पोटेंशियल साइट्स में एक साइट का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है लूनर साउथ पोल। यहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं गया अभी, और यहाँ पर जाने से फ़ायदा क्या है? यहाँ पर संसाधनों की भरमार है, तो यहाँ पर जब इंसान पहुँच जाएगा तो फिर यहाँ पर जो भी संसाधन है इनको एक्सप्लोर किया जाएगा। तो ठीक है भैया, आज इतना ही, मिलते हैं फिर कल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।